श्री तेलियान साहू समाज वैवाहिक समिति ब्यावर की ओर से गुरुवार को आदर्श अष्टम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 42 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु गुरुवार को वर वधु की सामूहिक रूप से बिंदोली निकाली गई। बैंड बाजों व ढोल धमाकों की मधुर स्वर लहरियों के बीच शहर के तेलियान मोहल्ला स्थित राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई बिंदोली तेलियान चौपड़ माल्यान चौपड़ राठी जी की हवेली लौरान चौपड़ भारत माता सर्किल या चौक से होकर सूरज पुल गेट होते हुए विजयनगर रोड स्थित साहू वाटिका पहुंची। बिंदोली के साहू वाटिका पहुंचने पर सामूहिक तोरण की रस्म अदायगी की गई। इसके पश्चात पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाए। इस दौरान वर वधु ने एक दूसरे के साथ जीने मरने का वचन लेते हुए एक दूसरे का हाथ थामा। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात विदाई व आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। आशीर्वाद समारोह के दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए वर वधु को शुभाशीष दी, साथ ही उनके भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। वक्ताओं ने सामूहिक विवाह सम्मेलन के वर्तमान युग की आवश्यकता बताते हुए इसके आयोजन के लिए श्री तेलियान साहू समाज ब्यावर विवाह समिति को साधुवाद दिया। वक्ताओं ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों से समाज में फिजूल खर्ची कम होती है और लोगों में भाईचारा बढ़ता है। समारोह में विवाह समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। अंत में वधुओं को उपहार भेंट करते हुए विदाई दी गई। इस मौके पर श्री तेलियान समाज विवाहिक समिति अध्यक्ष रमेश कुमार यादव, महामंत्री गोविंद राम मंगरोला, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद सिसोदिया, श्री तेलियान साहू समाज समिति अध्यक्ष बाबूलाल अजमेरा, पप्पू अजमेरा, मिट्टू लाल सिसोदिया, कैलाश आसरवा, पृथ्वीराज बंदीवाल, पिंटू साहू, दिलीप कुमार जादव, पुखराज जादव, रामदेव गुलानिया, रमेश साड़िया, चंद्र प्रकाश पीडियार, प्रकाश चंद मंगरोला, नीलेश आसरवा, कमल आसरवा, कैलाश महरानिया तथा कैलाश झालीवाल सहित कार्यकर्ता एवं समाज के गणमान्य लोग तथा बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष तथा युवक युवती मौजूद रहे।